हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इनसाइट क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन का डिस्कस करेंगे। समझते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। ए पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी कि कोई होल ऑब्जेक्ट है, यदि उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो उसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। यदि इसको फिगर के थ्रू समझना है तो इसको समझते हैं कि फिगर के थ्रू फ्रैक्शन होता क्या है। एक इस तरह से हम कोई फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और इसको कुछ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। हमने क्या किया, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब यदि किसी एक इसके पर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट की यदि बात करें तो ये जो पार्ट है, इस पूरे फिगर का क्या होगा, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में क्या राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यदि केयरफुली देखेंगे तो इसके टोटल पार्ट 4 हैं। तो जो टोटल पार्ट है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा और जिस पर्टिकुलर पार्ट की बात करेंगे वो हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यदि इसके टू पार्ट की बात करेंगे तो इसको हम 2 और 4 इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब इसको रीड कैसे करते हैं इसे समझते हैं। ये 1 और यहाँ से एक लाइन है 4, 2 है यहाँ पे एक लाइन है 4 है, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग 1/4 और इसे 2/4 रीड कर सकते हैं। और इसको कैसे रीड कर सकते हैं, 1/4, 2/4 इस तरह से रीड किया जा सकता है। अब ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का जो अपर पार्ट है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। अपर पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं और जो लोअर पार्ट है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन है 1/4, इसमें न्यूमरेटर हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 4। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और यदि किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करें कि हमें नहीं समझ में आया, तो हम इसको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन के क्या टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यदि डिनोमिनेटर के बेसिस पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को समझा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर्स द फ्रैक्शंस आर 2 टाइप्स। डिनोमिनेटर के बेसिस पे फ्रैक्शन मेनली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट लाइक फ्रैक्शन, फर्स्ट है लाइक फ्रैक्शन एंड सेकेंड है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो यदि हमें फ्रैक्शंस के बहुत सारे ग्रुप दे दिए जाएं, 2/4, 3/6, 7/4, बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, तो यदि लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर्स सेम होंगे उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। और इसके जस्ट अपोजिट होता है अनलाइक फ्रैक्शन, तो जिस फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। यानी कि फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन 5/7, 3/7, 4/7। यहाँ पे फ्रैक्शन का ये ग्रुप दे रखा है। अब आप लोग यदि इसको देखेंगे तो इन सभी फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है। या 5/7, इसका डिनोमिनेटर 7 है, 3/7,
इसका डिनोमिनेटर 7 है और 4/7 इसका भी डिनोमिनेटर 7 है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, और इसके जस्ट अपोजिट जिस फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं 5/9, 2/7, 3/8। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। और भी कुछ फ्रैक्शंस के टाइप्स होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस विच आर प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं फ्रैक्शंस का। इसका जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें इसके यूजेज होते हैं। समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। बहुत ही ईजी है। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसका न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है, यानी कि न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर्स, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल हो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5/7, यहाँ पर 5 जो है वह 7 से स्मॉल है, तो इसलिए 5/7 को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है, यानी कि इसमें जो न्यूमिरेटर है वह ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 7/5, यहाँ पे न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन जो है बच्चों, यह प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। मिक्स फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर, लाइक 2/3/5। यहाँ पे देखिए एक है 2 और एक है प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5। तो ये 2+3/5 मिलकर के बनाता है 2/3/5। इसको हम क्या रीड करते हैं, 2/3/5। और जो भी फ्रैक्शंस होल में आते हैं उसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ लेते हैं। क्वेश्चंस भी पूछा जाता है विच ऑफ द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, यानी कि फ्रैक्शंस दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा क्वेश्चंस में कि कौन से फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। तो बच्चों फ्रैक्शंस यदि राइट कर दिया जाए तो देखने में तो डिफरेंट लगते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रैक्शंस दिखते डिफरेंट हैं बट उनकी जो वैल्यू है वह इक्वल होता है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू इक्वल हो उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। द फ्रैक्शंस हैविंग इक्वल वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक 4/8 एंड 8/16। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह फ्रैक्शन है 4/8 और है 8/16। ये देखने में तो डिफरेंट लग रहे हैं बट है ये सेम, इनकी वैल्यू सेम है। तो यदि फ्रैक्शंस गिवन हो तो हम कैसे
ये फाइंड कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कर देते हैं, और यदि इसकी वैल्यू सेम आता है तो उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे, और यदि इसकी वैल्यू डिफरेंट आता है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 जा 64, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 16, 16 4 जा 64। तो आप लोग देख पा रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इसकी वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये जो फ्रैक्शन है 4 अपॉन 8 एंड 8 अपॉन 16, दिस फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। आई होप बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।